और सात जन्म लेकर के आप लोगों का कर्ज उतारने की कोशिश करूं तो आपका कर्ज नहीं उतार सकता, क्योंकि मैं तो भी ना कभी विधायक रहा ना कभी एमपी बना। काम हो जाए तो आदमी जुड़ा रहता है, लेकिन केवल और केवल आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से हर बार ये मौका मिलता है कि हमें आप बुलाते हैं, हम जितने साथियों को उससे दो गुना पहुंच जाते हो आशीर्वाद और प्रेम देने। इसके लिए एक बार फिर मैं आज आपका ऋणी हो गया। गर्मी का मौसम है, कुर्सियों में धूप आ रही है और फिर भी आप अड़िग होके बैठे हो। एक वायदा आज आपके बीच में आपका ये बेटा कर रहा है, आपकी इस तपस्या को जाया नहीं जाने दूंगा, मैं ये वायदा आपके बीच में कर रहा हूं। मौका एक छोटा सा था। आज युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस है और हमारे प्रभारी जी का इशार दौरा था। ये जो मनीष जी बैठे हैं, मैं क्योंकि हमारे युवा तो सारे जानते हैं, बुजुर्ग नहीं जानते, मैं मनीष जी के बारे में बता दूं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने युवा कांग्रेस के मजबूत लड़कों को टिकट दिलाने के लिए मौजूदा विधायकों तक की टिकट काटी है। ये ऐसा शख्स आपके बीच में बैठा है। हर प्रदेश में युवा कांग्रेस का 5% कोटा फिक्स है और ये युवा कांग्रेस के मेहनती लड़कों की सिफारिश करने तक राहुल गांधी जी से टकरा जाते हैं, राहुल गांधी जी के समक्ष पेश हो जाते हैं कि हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के मेहनती लड़के हैं, आप इनको टिकट देके एक काम घर से भी विधायक और एमपी बनाने का काम करो। आज मैं आपके बीच में एक बात और कहना चाहता हूं, ये बूथ कार्यकर्ता मीटिंग है। इस मीटिंग के जरिए हमने आज एक काम, आज यहां से जब हम जाएंगे तो गांव में जाके हमने काम करना है। एक महीना नहीं बचा, चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे हरियाणा प्रदेश में एक महीने में। हर साथी की जिम्मेवारी है अपने अपने बूथ पर 20 लड़के तैयार करेगा नौजवान, ताकि हम ये कह सके मेरा बूथ सबसे मजबूत, और 20-20 लड़के आपने तैयार करने हैं। और ये हर साथी की जिम्मेवारी है, हमारे चाचा ताऊ की जिम्मेवारी है कि अपने बूथ के ऊपर जाके हम एक ऐसी टीम तैयार करें जो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने का काम करे। ये काम हमने आज जाके करना है साथियों। अभी एक भाई बोल रहे थे कि बूथ एजेंट जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। बिल्कुल, बूथ एजेंट जो होता है असली लड़ाई वही लड़ता है, चुनाव जिताने का जो काम करता है वो बूथ एजेंट करता है। जो गांव में बूथ एजेंट आप लोग बनते हो, अगर आप लोग ना एजेंट बनो, अगर बूथ का एजेंट आपका मजबूत ना हो, चाहे कितनी बड़ी लहर हो, हमेशा उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आज सभी साथियों से निवेदन करता हूं, मुझे बड़ी खुशी है और मैं बधाई देता हूं आपको, आज वो लोग भी हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जब जयप्रकाश जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 221 बूथ है प्रभारी जी हमारे हल्के में, और मैं खुद बूथ एजेंटों को फार्म बांटने गया था। हर बूथ पे हमने 6 एजेंट बनाए, उसके बाद भी हमारे 30-30 लोग बचे हुए थे कि हम भी बूथ एजेंट बनके अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमने वो टीम तैयार करनी है जो अंदर भी बूथ पे लड़ाई लड़े और जो बाहर वोटिंग बुटाने का काम करे। ये काम हमने आज घर जाते ही शुरू करना है साथियों। और मैं आपको एक बात और कह सकता हूं, बिल्कुल अभी कह रहे थे हमारे वक्ता चाचा उदयवीर जी, मनीष जी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने लोग बैठे हैं ये खुद जस्सी पेटवाड़ है, और मैं बड़े फखर के साथ कह सकता हूं मां सरस्वती की के आशीर्वाद से कह सकता हूं, इनमें से एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मैं बाई नेम ना जानता हूं, जिसके कुंडे को ना जानता हूं, जिसके घर को ना जानता हूं। आप लोग कोई कार्यकर्ता नहीं हो, आज से आप लोग खुद जस्सी पेटवाड़ हो। जस्सी पेटवाड़ का आपके बगैर कोई वजूद नहीं है साथियों। आप हो तो मैं हूं, केवल आपके आशीर्वाद और आपके हौसले की बदौलत ये 13 साल का संघर्ष मैंने आपके बीच में किया है।
आप लोग मजबूत नहीं होंगे तो मैं मजबूत नहीं हूं। अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे, बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई है, 35 साल से यहां एक व्यक्ति ने कांग्रेस को कभी मजबूत नहीं होने दिया, ना ढंग के आदमी को टिकट जाने दी, और कभी कोई ढंग का आदमी टिकट ले भी आया तो उसकी खिलाफत करने का काम किया, कभी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट नहीं जाने दी। लेकिन इस बार मैं आपको वायदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है उसके भरोसे के ऊपर आपको वायदा करता हूं, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद के ऊपर आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी के आशीर्वाद के ऊपर आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद के ऊपर आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे लोकसभा के सांसद मेरे पिता तुल्य आदरणीय जयप्रकाश जी के आशीर्वाद के ऊपर आपको भरोसा दिलाता हूं, और यूथ कांग्रेस के आशीर्वाद के ऊपर आपको भरोसा दिलाता हूं, इस बार टिकट मेहनत करने वाले को मिलेगी, जीतने वाले को मिलेगी, आप लोग इस बात की चिंता छोड़ दो। चुनाव का समय आ गया और जब चुनावी बरसात आती है तो मेंढक बहुत निकलते हैं, गांव गांव से मेरे चाचा ताऊओं के फोन आते हैं, भाई आज फलाना भी आ गया, भाई आज ढकड़ा भी आ गया, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव का टाइम है और सब आएंगे। और आज आपके बीच में एक बात और कहना चाहता हूं, सबके निशाने पे केवल आप लोग, बीजेपी वाले जाते हैं तो आपको निशाने पे रखते हैं, इनेलो वाले जाए तो आपका जिक्र करते हैं, और हद की बात तो यह होगी कांग्रेस की टिकट कांग्रेस वाले तो बेरानी बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, ये बीजेपी इनेलो वाले और कांग्रेस की टिकट बांटने लग गए, रोज लोग जस्सी की तो टिकटे को नहीं, अरे मेरी चिंता क्यों हो रही है, हल नहीं कर लो चिंता यार, मेरी चिंता करनी है, ये इतने लोग बैठे जो सारा नारनूंद के जितने भी बुजुर्ग हैं, मनीष जी मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, 90-90 साल के बुजुर्ग मुझे फोन करके कहते हैं, रे बेटा 13 होगा, पिछले दिनों लोकसभा चुनाव था, आप लोगों ने केवल एक डिमांड रखी थी, और जो आप चर्चा करते हो चुनाव के समय में पार्टी हाईकमान के पास पहुंच जाती है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, श्रीनिवास जी, जयप्रकाश जी और मनीष जी जैसे लोग चुनाव के समय दीवारों के पीछे से आप लोगों की आवाज सुनते हैं, आपकी डिमांड थी कि जयप्रकाश को टिकट मिलनी चाहिए, ये सीट जीत के झोली में डालने का काम करो, बताओ जयप्रकाश जी को मिली कि नहीं मिली टिकट, बहुत सारे लोग कहे अगर दे बिना जस्सी पागल हो रहा है, कौन टिकट देता जयप्रकाश ने, मगर जयप्रकाश ने टिकट दे होंगी कांग्रेस हाईकमान और जनता की पसंद के ऊपर सर्वे के आधार पे जयप्रकाश जी को टिकट मिलेगी, हर दिन आपको भरोसा दिलाने का काम करते थे, और जयप्रकाश जी को कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम किया और जीत दिलाने का काम आप लोगों ने किया। साथियों ये चुनाव का समय है, बहुत सारे प्रचार आपके खिलाफ किए जाएंगे, सबको पता है मैं 2018 में INLD में था, लेकिन जब से कांग्रेस ज्वाइन की दिन और रात कांग्रेस के लिए मेहनत करने का काम किया, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, एक पंचायत का फोटो है 2018 का एक बीजेपी के नेता के साथ, उसने ठाए फिरे हैं, बोले देखियो बीजेपी वाला गलत फोटो खिंचा रहा है, मैं कह रहा 2018 में तो मैं खुद 80 साल का था, युक्त 90-92 साल का, अभी इतनी तो मिला लो, और कहीं किसी हमारी किसी पार्टी के नेता से दुश्मनी थोड़ी है, मुलाकात कहीं भी हो सकती है, लोकसभा में विधानसभा में सब लोग मिल जाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बेचैनी समझ सकता हूं, बेचारों की, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो बदनामी करना शुरू कर देते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है,
मुझे पता है हर रोज पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी बहुत सारी चीजें मुझे सहन करनी पड़ रही हैं। एक पत्रकार भाई मेरे पास आया, बोला जी एक नेता ने बयान दिया कि गलत टिकटें बांट दी कांग्रेस की, तो बहुत बड़ी लहर थी और हुड्डा साहब ने उड़े भांजी ने गलत टिकटें बांट दी, नहीं तो 10 की 10 सीटें आती। मैंने सिर्फ एक बात उस पत्रकार को कही कि भाई टिकट सर्वे का आधार पर मिली है तभी तो जाके 5 जीते हैं, नहीं तो हरियाणा रुके हमारे करता बिले कांग्रेस की कभी एक आओगी। लेकिन हुड्डा साहब ने, उदय भांजी ने, पार्टी हाईकमान ने सर्वे करवाया और मजबूत उम्मीदवारों को टिकट दी तो 9 में से 5 जीत गए जो पिछली बार 0 थी और 4 का अंतर बहुत कम रहा। चाहे बात कर ले हमारे मनीष जी आज बैठे हैं युवा कांग्रेस के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिलवाई करनाल से खट्टर साहब के खिलाफ, 7.5 लाख से वो सीट कांग्रेस हारी थी, इस बार 1.5 लाख से हारे, कितना अंतर कम हुआ और कितनी विधानसभा में हमें फायदा होने का काम हुआ। जो गुड़गांव की सीट कांग्रेस 5 लाख से ज्यादा हारी वो मात्र 50,000 से हारे, जो भिवानी की सीट 6 लाख से हारे वो मात्र 40,000 से हारे। तो ना तो कैंडिडेटा में कमी थी और ना टिकट देनिया में कमी थी और ना वोट देनिया में कमी थी। इस बार 9 में तो 5 दिए, अगली बार 10 की 10 देने का काम ये जनता कांग्रेस पार्टी। लेकिन मैं उन लोगों को यह भी नहीं कह सकता कि भाई तुम्हें बराबर में आगे मेहनत करो ने बस एक कमरे में बैठे नु देखी जा देखांगे आज जस्सी पेटवाल के का होगा, हर रिकॉर्डिंग काट के 1 मिनट में दिल्ली पहुंचाएंगे। तो भाई मैं इतनी सी बात हर भाई को कहना चाहता हूं, मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मुझे भरोसा है राहुल गांधी जी की उस बात के ऊपर जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी और जंग में जंगी घोड़ों को लेके जाएंगे, बराती घोड़ों को साथी में नचाने का काम करेंगे। मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी हाईकमान की उस बात के ऊपर जिसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भांजी हर रोज कहने का काम करते हैं कि लोकसभा की तरिया जताऊ ने भी टकाऊ ने भी टिकट देने का काम करेंगे। और मैं खुद कहता हूं, जो लोग मेरे बारे में कहते हैं मैं उनको खुद कहना चाहता हूं, सर्वे करवा के टिकट दो, जताऊ उम्मीदवार को टिकट दो, उसे भी मदद करने का काम करेंगे भाई। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि भी 5 साल जस्सी पेटवार नाड़ा गोदे रगड़ दिए हैंड हैंड है और तेरा दाल लाग जाएगा, हर बार का काम हो रहा है, थोड़ी सी न्यू दिखा कांग्रेस में लहर होगी जदे घर तले कर दे और न्यू हो गया भाई ना इनके तो बीजेपी की लहर होगी, उल्टे गाड़ी पर कवर घाल दे। वो किसी का हितैषी नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का हितैषी ना आपके हितैषी। और साथियों चिंता मत करना, मुझे भरोसा है युवा कांग्रेस के ऊपर, युवा कांग्रेस को हर वक्त आप लोगों ने, आपको याद हो 80,000 मेंबरशिप मनीष जी युवा कांग्रेस ने, आप प्रभारी नहीं थे तब, 80,000 मेंबरशिप नारायण दल के से कांग्रेस पार्टी की हमने करवाने का काम किया। हमारी चौथी पोजीशन थी हरियाणा में युवा कांग्रेस की, हालांकि मेंबरशिप हमें 42,000 मिली, हमारी 38,000 कैंसिल होगी, लेकिन 80,000 मेंबरशिप करवा के हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। जब भी कृष्णा अल्लावारु जी का, श्रीनिवास जी का हमें आदेश आया हमने हमेशा पूरा करने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदय भांजी और जयप्रकाश जी ने आधी रात को आदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये हम रैली करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को तो पता है मनीष जी, आपको बता दूं, अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे पिछले 35 साल से यहाँ कांग्रेस पार्टी की कभी बीच में कोई रैली नहीं हुई चुनाव के बगैर, 35 साल में एक बार भी किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी की रैली करने का काम नहीं किया। लेकिन हमें फकर है इन लोगों के दम के ऊपर 5 साल में हमने 4 बड़ी रैलियां करने का काम किया साथियों। बिना चुनाव के
बिना चुनाव के ये सोचे कि भी चुनाव आएगा तब रैली करेंगे, तब खर्चा करेंगे, तब घर से निकलेंगे। दिन और रात यहाँ जिस हल्के से 52 साल से कांग्रेस पार्टी ना जीती हो, उस हल्के में सारी बातों को दरकिनार करते हुए दिन रात मेहनत करके आप लोगों ने, ये जितने आज कांग्रेस के टक्कर तैयार हैं, पछली गेड़ी दरवाजे थे कदे टिकट दे कांग्रेस आए तान लुकते फरे दे कदे कांग्रेस तान टिकट दे दे। ये तो आप लोगों की 5 साल की वो मेहनत है जिसमें आपने दिन रात गर्मी में, सर्दी में, बारिश में आपने काम करने का काम किया, 400-400 किलोमीटर की पैदल की यात्रा करने का काम किया और आड़ा कांग्रेस की लहर बना दी आप लोगों ने मेहनत करके, तब ये लोग कांग्रेस पार्टी के सपने देख रहे हैं। नहीं तो नेता का फोन भी निठाया थे इलेक्शन के टाइम के देखे टिकट पर चुनाव लड़ते कांग्रेस वाली पर। ये हालात थे यहाँ, लेकिन आप लोगों ने दिनों रात कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करने का काम किया और मैं आपको बधाई भी देता हूं, खासकर उन बूथ एजेंटों को और उन साथियों को, ये सारे एक्टिव साथी हैं जी, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप लोगों की बदौलत 72 साल, 72 साल मनीष जी इस हल्के में 72 साल हो गए इस हल्के को बने हुए, 72 साल में रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को या किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को 86,000 वोट आप लोगों ने देने का काम किया है। ये आप लोगों की बदौलत पहली बार 72 साल में ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रत्याशी को 45,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली हो। 72 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को इतनी बड़ी लीड नहीं मिली और यह भी 72 साल में पहली बार हुआ है कि सार लोकसभा में नालंद पहली बार पहले नंबर पे आया है साथियों। ये सब आप लोगों की मेहनत की बदौलत है, ये कांग्रेस पार्टी के उस संकल्प की बदौलत है जिसने सर्वे करवा के टिकट देने का काम किया, एक मजबूत प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया, जिसने लगातार 42 साल आपके बीच में रह के आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया। सर मैं आज आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, ऐसा कोई हफ्ता या 10 दिन नहीं होते जिस दिन आप सारे ना मिल लेते सुख दुख के बहाने, ब्याह शादी के बहाने, किसी रैली जलसे के बहाने हम सब आपस में मिल लेते हैं। आपने बूथ की लड़ाई लड़नी है साथियों, जी तोड़ मेहनत आपने करने का काम किया है और आपका ये बेटा कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा, आपकी लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेगा साथियों। आज मेरा हर साथी, मेरा हर चाचा ताऊ, मेरा हर दादा यहां से प्रण लेके जाए कि हमने अपने बूथ के ऊपर 20 साथी तैयार करके 10 दिन के अंदर 20 साथी तैयार करने का काम करना। उसमें ऐसे साथी होने चाहिए जो समझदार हो, ऐसे साथी भी होने चाहिए जो लड़ाके हो, जोशीले हो, और ऐसे साथी भी होने चाहिए जो गांव के हर व्यक्ति की पहचान रखते हैं। 10 दिन में हमने हर बूथ के ऊपर 20-20 साथियों को तय करना है साथी, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम बचा हुआ है, सिर पे है चुनाव और हमने यहां 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है और कांग्रेस पार्टी को इस बार नालंद हल्के से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाने का काम करना है साथियों। और चिंता मत करना, पूरा हरियाणा प्रदेश आप लोगों की मेहनत को देख रहा है, मैं वायदा करता हूं आपसे नालंद हरियाणा के किसी भी हल्के में चले जाना, आपकी मेहनत की चर्चा पूरे हरियाणा में, क्योंकि आप लोगों ने निस्वार्थ भाव से मेहनत करने का काम किया है। केवल चुनाव के समय आप घर से नहीं निकले हो, ये आप इसलिए इसलिए साथियों अभी मेरे बाद मनीष जी अपनी बात रखेंगे, सभी साथियों ने मनीष जी की पूरी बात को सुन के जाना है और उसके बाद कोई भी मेरा चाचा ताऊ दादा कोई भाई खाना ले बगैर नहीं जाएगा। मैंने कुछ आज तक किया नहीं है लेकिन जब भी गांव जाता हूं तो चाय की, खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। 1000-1000, 1500-1500, 3000 लोग पैदल यात्रा में चले,
जिस गांव से निकलते थे फल फ्रूट लड्डू खाना आप लोग खिलाने का काम करते थे। ये तो मैं आपका प्यार नहीं कभी भुला सकता। सबने खाना खा के जाना है, धीरे धीरे खाना खाते रहेंगे, आप आपस में मिलते रहेंगे, तब तक मरीज इसी से मिलते रहेंगे। और एक बात अंतिम बात कहना चाहता हूं आपके बीच में, किसी ने घबराना नहीं है, सारे प्रचार आपके खिलाफ करने का काम करेंगे। भाई नारा रहो, छाया में आ जाओ, आ जाओ इस साइड, आज रिपे कितने नहीं जाना, आ जाओ वीरबान जी, आ जाओ। मैं सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूं, आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है, आप लोग सबसे ज्यादा मजबूत हो, और आप लोग सबसे ज्यादा मजबूत हो इसलिए आपके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण होंगे, सबसे ज्यादा खिलाफ प्रचार आपके खिलाफ होगा। कमाल की बात देखो, यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस है और यहां हमारे प्रभारी मनीष जी बैठे हैं। अरे भाई एक मिनट हटियो, पास हटियो भाई, इस बैनर के दूर हटो, ये सारे कांग्रेस के फोटो दिख देंगे भाई, पत्रकार दिखा दियो भाई, ये सारे कांग्रेस के नेताओं के फोटो होंगे, क्योंकि तसल्ली होने के बाद जाए पाचन योगी कह दे जस सिंह पेटवार तो एक निर्दलीय की तैयारी कर रहा था। कई तो कल मेरे पास एक बुजुर्ग का फोन आया, बोला भाई ने सुनी है मीटिंग कर रहा है, मैं कहता था आज ये मीटिंग भी कर रहे हैं, रोटी भी खुवावांगे, बोला बेटा कब आ रहे आवांगे, फिर बोला नई पार्टी ज्वाइन कर रही है, मैं कहता बजानिया में हाँ बाजनिया में बोनी आप चिंता ना करे, लड़निया में हाँ उल्टे हटनिया में नहीं। इसलिए साथियों जो आदमी अब आपके खिलाफ दुष्प्रचार करेगा उसको भी आप लोगों ने निपटने का काम करना है, उसका प्रचार भी आप लोगों ने करना है, क्योंकि आप सबसे मजबूत हो तो मजबूत आदमी के खिलाफ ही सबसे ज्यादा प्रचार होता है। जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने 5 साल जीत और जो मेहनत की है वो अब 1 महीने में भगवान तो कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपके खिलाफ दुष्प्रचार जितने भी हो उस दुष्प्रचार को काटने का काम आपने करना है, और मेरा वायदा है आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई जयप्रकाश जी और हमारी युवा कांग्रेस के आशीर्वाद से ये टिकट भी आपकी है या जीत भी आपकी है, क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में यहां की। इसलिए साथियों मेरी सभी साथियों से निवेदन है, मैं हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सशक्त प्रभारी भाई मनीष जी पर बुलाना चाहूंगा, मनीष जी आए और आप बड़े संयम, अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हमें पता है धूप ऊपर तक ज्यादा हो रही है, मनीष जी की बात सुने और मनीष जी की बात के ऊपर एक बार मनीष जी ने भरोसा दिलाओ, अपने हाथ खड़े करके सारे दोनों हाथ खड़े करने में सारे, और मनीष जी ने भी भरोसा होना चाहिए कि मैं 52 साल का रिकॉर्ड इस बार ये टीम तोड़ने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।